स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन जो है हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, केमिकल्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, उनसे प्रोटेक्ट करती है बाहर से। स्किन जो है वाटर भी स्टोर करती है और फैट भी स्टोर करती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो स्किन के बारे में होंगी। सबसे पहले स्किन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद स्किन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद स्किन की डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद लेयर्स ऑफ द स्किन पढ़ेंगे और लास्ट में स्किन का फंक्शन पढ़ेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में। स्टूडेंट्स, स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कैसे है। देखें, स्किन जो है हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हेड से लेकर फुट तक। दूसरी जो बात है, स्किन जो है हमें बाहर से प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी पैथोजन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, यानी कि स्किन को कोई भी पैथोजन पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता। तीसरी जो चीज़ है, हमारी स्किन स्वीट प्रोड्यूस करती है, उस स्वीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो स्किन जो है टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। उसके अलावा स्किन में तीन लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली, एक बीच वाली और तीसरी अंदर वाली। जो आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो बीच वाली होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह सामने आप डायग्राम देख रहे हैं स्किन की, इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और वो जो बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर, उसको हम डर्मिस कहते हैं और जो लास्ट में इनर मोस्ट लेयर है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये आप ग्लैंड्स देख रहे हैं, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक। उसके अलावा ये आप फोलिकल्स देख रहे हैं, हेयर फोलिकल्स हैं, ठीक। और ये जो हाइपोडर्मिस से नीचे लास्ट में नेल लेयर नज़र आ रही है वो है सबक्यूटेनस लेयर। अब हम स्किन की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर, जो काम करती है एज अ बैरियर, यानी कि कोई भी चीज़ उसको पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती। जो बीच वाली लेयर होती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, डर्मिस में स्वीट ग्लैंड्स आ जाते हैं, हेयर फोलिकल्स आ जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। दूसरी बात, यही स्किन की लेयर होती है डर्मिस से, जिसके ज़रिए विटामिन डी हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीसरी जो लेयर होती है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है स्किन की लास्ट वाली इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। आते हैं हम स्किन के फंक्शंस पे। स्किन का जो पहला फंक्शन है, स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि स्किन को कोई भी पैथोजन, वायरस हो या बैक्टीरिया, पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता। तो स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा जो स्किन का काम है वो है सेंसेशन का। हमें अगर कोई टच करता है, पेन फील होता है, कोल्ड फील होती है, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हम सेंस करते हैं, हम जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो स्किन के ज़रिए ही महसूस करते हैं। तीसरा जो काम है, स्किन स्टोरेज का काम करती है, फैट्स एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें स्किन स्टोर करती है। चौथा जो काम है स्किन का, स्किन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बाय प्रोड्यूसिंग स्वीट। स्वीट प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। पांचवा जो स्किन का काम है वो स्किन जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही सनलाइट फॉल करती है डर्मिस पे, जो स्किन की डर्मिस लेयर है उस पे, तो स्किन जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। आज का सवाल है, स्किन की कौन सी लेयर्स होती हैं, जिनको जवाब आता है नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।